अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद। माय किचन माय रोल में आज बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने जा रही है, जो कि मैं बनाने जा रही हूं ओरियो के साथ मग केक, जो कि मेरी डॉटर ने जो है वो ये बनाई थी रेसिपी। मुझे ये बहुत ही मज़े की लगी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये रेसिपी जो है ना, ये मेरी बेटी मुझे बताएगी, ठीक है। तो मैं उससे साथ साथ बातें भी करती जाऊँगी और ये रेसिपी जो है ये मैं बनाती भी जाऊँगी। तो सबसे पहले हमने एक कप ले लेना है, ऐसे से ना जी। ठीक है जी, एक कप हमने ले लिया है, ठीक है, एक कप हमने ले लेना है। इसके बाद हमने लेने हैं बिस्किट, ऐसे जी ये बिस्किट लेने हैं। और हमें ये बिस्किट कितने चाहिए वैसे, ज़्यादातर छः से छः। अगर हमने एक, जैसे कि ये बड़ा मग है, इसके लिए तो हमें तकरीबन 3 से 4 हमें पैकेट चाहिए ओरियो के, ऐसे ही नहीं, दो दो पैकेट काफ़ी रहेंगे। दो काफी। लेकिन ठीक है, एक पैकेट में जो होते हैं ना वो 4 होते हैं, ठीक है। तो हम ये 2 पैकेट जो है ना वो हम इसमें जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, हमें इसे क्रश करके इसमें डालना है। इसे क्रश करना है जी। चलें ठीक है जी, अब हमने इसे क्रश करना है इस तरीके से, ठीक है। बारीक बारीक से आपने जो है वो तोड़ लेना है, इस तरीके से जैसे तोड़ते हैं बिस्किट्स को। तो इस तरीके से जो है मैं तोड़ लूँगी इसे। अब हमने इसे क्या करना है, इसे हमने इस तरीके से तोड़ना है, इसी तरीके से ना मैश करना है। अच्छा जी, मैश करना है जी, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसे मैश कर लेंगे, ठीक है। ओ ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो इसे हमने इस तरीके से मैश कर लेना है ताकि ये जितने भी हैं ये टूट जाएं, ठीक है। और इस तरीके से हमने इसे कर लेना है, ठीक है। अब हमने बताया क्या करना है, इसमें हमने क्या ऐड करना है ना, बताएं। इसमें हमने मिल्क ऐड करना है। मिल्क ऐड करना है, हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इसी के से जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड कर दूंगी, इतना कि हमारा ये बैटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए, और जिस तरीके से हम केक का बनाते हैं ना बैटर, तो उस तरीके का ये हो जाए, ठीक है। बहुत ही आसान रेसिपी है, ऐसे मज़े की रेसिपी है ना, आपने मुझे खिलाई थी, बहुत वाकई मज़े की थी ये। और ये आपने गर्म गर्म सर्व करना है, आइसक्रीम भी इसके साथ आप सर्व कर सकते हो या क्रीम के साथ भी, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा दूध आपने डालते जाना है और इसका बैटर आपने बनाते जाना है, ठीक है। इस तरीके से जो है मैं इसका बैटर बना लूँगी जी। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो, ठीक है, मैंने जो है ये अच्छे से यान के मैश कर लिया है, अब मेरी बेटी कर रही है। अब हमने इसमें चीनी कितनी ऐड करनी है, 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे, वो तो हमने यानि के हाफ अगर हमने बनानी है, क्योंकि ये पहले से स्वीट होता है ना, तो इसलिए जितना आपको टेस्ट पसंद हो हम उतने इसमें ऐड कर सकते हैं वैसे जी। अंदाजन मैं बता रही हूँ तो 2 टीस्पून। चलें ठीक है जी, अभी हमने इसमें जो है 1 टीस्पून जो है ना वो ऐड किया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्वीट ही होता है, ठीक है। तो आपने इसे इतना जो है ना मैश करना है ताकि इसमें कोई भी बिस्किट वगैरह के, जैसे अभी आपको भी नज़र आ रहे होंगे ना, अभी ये नज़र ना आए, ठीक है, ये नहीं नज़र आने चाहिए। तो ये हमने इसे अच्छे से मैश कर लेना है, बस मैश हो जाए। चलिए इतने में मैं जो है ना इसे मैश कर रही हूँ, तो मैं अपनी बेटी से क्वेश्चन कर लेती हूँ, ठीक है। तो वैसे आपको ज़्यादातर बेकिंग का शौक़ है या कुकिंग का शौक़ है, ये बताएं। मुझे ऑब्वियसली बेकिंग का। बेकिंग का, कुकिंग के वैसे क्यों नहीं है, क्योंकि कुकिंग तो ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, बेकिंग तो पहले नहीं कोई टेस्ट करता, पहले तो सब जो है वो कुकिंग टेस्ट करते हैं, फिर क्यों? उसमें ज़्यादा ऑयल का यूज़ होता है ना इसलिए। ऑयल तो आप ऑयल ज़्यादा ना डालें फिर नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं फिर, आप ज़्यादातर बेकिंग कर करके तो नहीं खा सकते ना, आप बिरयानी है, कोरमा है, ठीक है, तो वो आप ज़्यादातर बेक कर करके खाओगे ना, बेक कर करके तो नहीं खाओगे ना वो, फिर वो ज़्यादातर कुकिंग करके खाना होगा आपको, या आप बेकिंग कर लोगे फिर? नहीं ठीक है, मैं अपनी बेटी का एक ज़रूर चैनल जो है ना वो मैं ना ज़रूर खोलूँगी, ठीक है ना, फिर वो भी आप चेक करना उसमें ये, फिर सब चीज़ें जो है वो बेक करके आपको दिखाएंगी चले ठीक है जी, चले बातें भी होती रही हैं अब। और हमने जो है ये रेडी भी कर लिया, अब ये देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से मैश हो गया ये, ठीक है, अच्छे से मैश हो गया। अब हमने जो है इसे क्लीन कर लेना साइडों से ना, जो आपने क्लीन कर लेना, ठीक जी। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो मैंने जो है इसे मैश कर लिया है और ये रेडी हो चुका है, अब हम इसे माइक्रोवेव ओवन में रख देंगे, ठीक है जी। फ्रेंड्स अब हमने इसे बेकिंग करने के लिए रख देना है माइक्रोवेव में, अब हमने इसे कितनी देर रखना है वैसे? हमने इसे 1 मिनट के लिए रखना है। 1 मिनट के लिए रखना है जी। फ्रेंड्स अब हमने जो है ना इसे हमने 1 मिनट के लिए रख देना है, ठीक है जी, 1 मिनट के लिए अब हमने इसे पकाना है ताकि ये अच्छे से बन जाए, ठीक है जी। अब ये पकना स्टार्ट हो गया है,
जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो, ठीक है, अब हमने इसे डेकोरेट करना है ना, तो हम इसे यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसे कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक कर लें, आपकी मर्जी है, जिस तरीके से आपको पसंद हो आपने इसे कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, मैं बिल्कुल थोड़े से चंक्स की तरह रखूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक बिस्किट के चंक्स की तरह आपने रख देना, ठीक है, ये हो गया। और एक जो है ना हमने साबुत रखना है। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो बहुत ही मज़े का टेस्टी ओरियो मग केक जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने जो ये क्रस्ट किया हुआ था, ये हमने इसके ऊपर जो है वो डाल देना है, ठीक है। बहुत ही मज़े का आप इंजॉय करें घर में, और इसके ऊपर आप क्रीम भी डाल सकते हो, आइसक्रीम भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये डाल देना है और आपने ये देखें, और इस तरीके से जो है आपने सर्व कर लेना, बस मज़ेदार, ये देखें, ठीक है। और ये मैं बल्कि रेसिपी आपको भी टेस्ट करके दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये मेरी बेटी ने जो है ना अभी बनाई है ना, तो मैं ये टेस्ट करके आपको बताऊंगी ये कैसी है। जी फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप कितना मज़े का, बहुत ही गर्मा गर्म और बिल्कुल पका हुआ, इतना टेस्टी सा ये जो है ओरियो बिस्किट का जो है मग केक तैयार है। अब मैं ये ट्राई करके आपको बताती हूँ, ठीक है। मज़ेदार, वेरी टेस्टी, बहुत मज़े का है। सना, वैसे आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, क्लैपिंग। चले ठीक है फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला ऐसी बहुत ज़्यादा मैं जो है आपके लिए बेकिंग एंड कुकिंग की रेसिपीज लेके आती रहूँगी। चले अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपनी बहन को इजाज़त दें, चैनल को क्या करना मत भूलेगा सना, सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर देना है, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करके बताना कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।